हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब हाँ। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जैसे कि मैं आप लोगों को एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका आज हम भाग नौ पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले हम जो है टोटल चार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उन चार चारसेप्ट सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं देखिए एक हमारे पास क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमेशा होती है वन तो अगर यहाँ से हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इस वाले कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी वन यानी अगर मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना हो तो वो क्या होगा रेसिप्रोकल उल्टा होगा किसका सेक्ट थीटा माइनस टेन थीटा का एक तो मुझे कॉन्सेप्ट ये बताना चाहिए कि भाई सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है तो थीटा प्लस टेन थीठा थीटा माइनस टेन थीटा वन होगा यानी थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर प्लस टेन थीटा की वैल्यू पाँच है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी एक बटे पाँच एक दूसरे की वैल्यू क्या होगी उल्टी होगी तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है और इसी से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कस करेंगे और हम लगभग बीस या इक्कीस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा उसको तभी डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए sec थीटा प्लस बी एन थीटा इज इक्वल टू एक्स बी थीटा प्लस एन थीटा इज इक्वल टू वाई हमें निकालना है ए बी एक्स और वाई में एक रिलेशन हमें पता है कि जो सेक्स स्क्वायर थीटा हमें ये पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है मेरी वन इसी को अप्लाई करूंगा इसमें अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी टू ए बी सेकटा टेन थीटा सेक थीठा टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अगर जो मेरे पास नीचे वाली ये इक्वेशन है अगर इसका स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीठा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर अगर इसको मैं पहली इक्वेशन मान लूं फर्स्ट और इसको क्या मान लें सेकेंड तो मुझे यूज करना है सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा स्क्वायर तो मुझे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा अगर तो हम क्या कर दें वन माइनस टू पहली में से दूसरी क्या कर दें माइनस देखिए ए सेक्स स्क्वायर थीठा माइनस बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीठा प्लस बी स्क्र टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल यहाँ से देखिए ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीठा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से हम ए स्क्वायर कोमल ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगाक्वायर थीठा माइनस टेन स्क्वायर थीठा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा अगर इसमें से हम बी स्क्वायर को मन ले, ले। इसको हम डिटेल में ही करते हैं कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस हमने पहली वाली में से दूसरी घटाई है माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा तो ये टू ए बी वाले टर्म है यह आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल इक्वल टू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ये जो है मेरा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है देखिए एक्स स्क्वायर थीठा माइनस टेन स्क्वायर वन होता है यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारा ए स्क्वायर है अगर हम इसमें से ए स्क्वायर कोमल ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास एग स्क्वायर थीठा माइनस टेन स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यहाँ पर क्या है बी स्क्र सेक्स स्क्वायर अगर यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कोमन ले लें तो क्या बचेगा सेक्सक्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीठा माइनस टेन स्क्वायर थीठा वन तो इसकी वैल्यू वन है इसकी वैल्यू वन होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या बनेगा मेरा रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं लेकिन ये दो तरीके से मिल सकता है आपको या तो यहाँ पर प्लस प्लस होगा या यहाँ पर माइनस माइनस होगा तो ये एक तरह से और मिल सकता है आपको वो कैसे वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं या तो होगा ए सेकटा प्लस बी टेन थीटा या क्या होगा या बीच में होगा माइनस तो दोनों तरफ माइनस ही होगा ए सेक्टीठा माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो नीचे भी क्या होगा माइनस ही होगा और साइन कोस वाले में क्या था एक तरफ क्या था आपका प्लस था और एक तरफ माइनस था A is equal to तो चाहे तो मुझे ऐसे गिवन हो और चाहे मुझे ऐसे गिवन हो तो जो थीटा का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर और जो टेन थीटा कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर ऊपरले वाले में उनका जो डिफरेंस होगा वो एक्स माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एक्स हो और चाहे आपको इस फॉर्म में गिवन हो तो अब हम अपने क्वेश्चन ट्राई करते हैं देखिए इफ ए से टेन थीटा देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जो सेक और टेन के कोफिशंट होंगे उनका जो स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा दस का स्क्वायर और माइनस पाँच का स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दस का स्क्वायर सौ और पाँच का स्क्वायर पच्चीस जो कि बराबर है किसके सेवेंटी फाइव के जो पहला सवाल है उसका आंसर क्या है 75, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, है मेरा ए नेक्स्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पांच थीटा माइनस नो टेन थीठा देखिए नो थीटा नो टा माइनस पाँच tan थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना है चार रूट पाँच है मुझे निकालना है पाँच एक्टा माइनस दोनों माइनस होना चाहिए नाइन tan थीटा इसको मान लेता हूँ मैं एम हमने अभी पढ़ा है इनके जो कॉफिशेंट है उनका जो स्क्वायर होगा नौ का स्क्वायर माइनस पांच का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा चार रूट पांच के स्क्वायर चार रूट पांच का होल स्क्वायर और माइनस एम का स्क्वायर तो इक्यासी माइनस पच्चीस इज इक्वल टू चार रूट पाँच होता है चार चौक सोलह पंजे अस्सी अस्सी माइनस एम का होल स्क्वायर तो इक्यासी में से अगर आप पच्चीस घटाएंगे तो कितना बनेगा चौवन इज इक्वल टू अस्सी माइनस एम स्क्वायर जो एम स्क्वायर होगा मेरा so, उसकी वैल्यू कितनी होगी अस्सी में से चौवन घटाएंगे आप छब्बीस एम की जो वैल्यू आएगी वह आएगी रूट छब्बीस पर आप गौर करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो टाइप राइटर से टाइप करते हुए क्या हो गई गलती तो हम देते हैं उसको सही तो इसमें ऑप्शन लिख देते हैं ई जो e. तो क्या होगा मेरा रूट छब्बीस ठीक है नेक्स्ट इफ एट सेकटा प्लस पांच टेन थीटा इज इक्वल टू पांच रूट तीन फाइंड द वैल्यू ऑफ पांच सेकटा प्लस एट टेन थीटा देखिए अगर जो मुझे निकालना है इसको मैं क्या मान लेता हूँ एम अगर इसको मैं एम मान लूँ तो जो इनके कोफिशंट्स हैं उनका स्क्वायर होगा यानी आठ का स्क्वायर कितना होगा आठ का स्क्वायर माइनस पाँच का स्क्वायर इज इक्वल टू पाँच रूट तीन का होल स्क्वायर और माइनस एम का होल स्क्वायर चौंसठ तो माइनस पच्चीस इज इक्वल टू पाँच रूट पाँच होता है पंजे पंजे पच्चीस थी आप पचहत्तर पिछहत्तर और माइनस एम स्क्वायर चौंसठ में से अगर आप पच्चीस घटाएंगे तो कितना बचेगा उनतालीस थर्टी नाइन इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव माइनस एम स्क्वायर तो जो एम स्क्वायर होगा मेरा वो क्या होगा पंद्रह में से नौ गया छः और छः में से तीन गया तीन एम की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास छः आएगी प्लस माइनस छः लेकिन ऑप्शन में कहीं भी कोई माइनस छः या प्लस माइनस छः नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा एम की वैल्यू कितनी है छः यानी मेरे पास जो ये पाँच सेक थीठा प्लस टेन ठीठा इसकी वैल्यू कितनी होगी छः नेक्स्ट सेक्ट ठीटा माइनस टेन थीटा इज्वल टू तो पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीठा देखिए हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है ये वाला ए सेक थीठा प्लस बी टेन ठीठा इजग्वल टू एक्स

तो थीटा प्लस माइनस टेन थीटा की वैल्यू वन होगी यानी जहां पर भी मुझे सेकटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू में हमेशा क्या ले सकता हूँ वन माइनस सेक ठीठा माइनस टेन ठीटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्प्ट है इस पर सवाल ज्यादा आते हैं देखिए दो हजार उन्नीस में पूछा गया सी एच एस एल द्वारा पर सवाल होते हैं बहुत आसान अगर आप इसका एक बार तरीका सीख जाए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है देखिए सेक थीटा माइनस जो टेन थीटा है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है पी है तो हम यहां से लिखेंगे थीटा प्लस टेन थीटा तो वो होगा उसका अपोजिट यानी हो जाएगा वन बाई पी और मुझे निकालना है क्या है कौशक थीटा मुझे क्या निकालना है cosec थीटा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से या तो सेक का पता करता हूँ या यहाँ पर टेन का पता करता हूँ देखिएगा आप अगर आप गौर करेंगे अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो टेन से टेन कट जाएगा ये क्या बन जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो टू सेक वैल्यू कितनी होगी पी स्क्वा प्लस वन अपॉन पी तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे वो बनेगा पी स्क्वेर प्लस वन अपॉन टू पी मैंने जो आपको पहला बेसिक लेक्चर कराया था थीटा क्या होता है मेरा हाई पोर्टन्यूज अपॉन बेस तो ये क्या होगा मेरा हाइपोटेन्यूज ये क्या होगा मेरा बेस तो परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है इस कंडीशन में पी स्क्वायर माइनस वन अगर मैं इसका ट्रेंगल बना के भी करूं अगर इसको मैं थीटा मान लूं तो मेरा sec थीटा क्या होता है आईपोर्ट अपॉन बेस यानी जो वैल्यू है ये वाली

देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टी जी एल दो हजार तेईस का सवाल है और यकीन मानिए बहुत ही आसान सवाल है। थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो पाँच है यहाँ से मैं लिखूँगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एक बटे पाँच देखिए अगर मुझे टेन निकालना हो तो हम sec को गायब कर देते हैं अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूँ अगर मैं घटा दूँ यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस तो सेक से थे सेक थीटा कटेगा टेन थीटा और टेन थीटा टू टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी पाँच माइनस एक बटे पाँच तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी पंजे पंजे पच्चीस में से गया चौबीस बटे और पान दूनी दस अगर इसको मैं किससे कट करू दो से तो आंसर होगा मेरा बारह बटे पाँच जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी है तो बारह बटे पांच क्या हो गया सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी है नेक्स्ट <coughs> सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू तो पांच एंड को सेक वाई माइनस कोट वाईक्वल टू वन बाई थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक एक्स प्लस कोशेक वाई माइनस क्स माइनस कोट वाई जो मुझे गिवन है हम इसको पहले क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं देखिए है। ये होगा सेक एक्स प्लस को सेक वाई जो मुझे निकालना है इसको थोड़ा क्या करते हैं सिंप्लीफाई माइनस टेन एक्स और प्लस कोट वाई माइनस टेन एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हम क्या करते हैं एक्स वाले टर्म एक तरफ लिखते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स और प्लस cosec y cosec वाई वाले टर्म एक तरफ लिखते हैं प्लस कोट वाई देखिए सवाल में क्या गिवन है सेक एक्स प्लस टेन एक्स और उसका उल्टा पूछा है अगर ये पांच है तो ये कितना होगा एक बटे पांच अगर ये पांच होगा तो ये कितना होगा मेरे पास एक बटे पांच प्लस मुझे कोसेक वाई प्लस कोट वाई निकालना है लेकिन दे रखा क्या है कोसेक वाई कोट वाई। तो तो ये ये क्या होगा इसका जस्ट रिवर्स होगा, ये होगा इसका? मेरा तो सोलह बटे पांच सोलह बटे पांच यानी कि मेरा आंसर होगा थ्री पॉइंट टू पाँच या पंद्रह और पान धोनी दस देखिए ये मैंने क्यों लिखा है इसको आपको बताया कि कौशक स्क्वायर थीठा कोशक इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा इसका क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं कोट स्क्वायर ठीटा की वैल्यू कितनी होती है वन अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी करूँ तो कोशक ठीटा प्लस वन कोसेक थीटा प्लस को थीटा और कोसेक थीटा माइनस को थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी वन यानी कि ये भी आपस में क्या होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोकल अगर यहाँ से मुझे कोसेक थीटा प्लस को थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो वो क्या होगी मेरी वन अपॉन यानी एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट थीटा माइनस और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैंने कहा बटे तीन कि वन है तो इसका जो प्लस होगा वो क्या होगा अपोजिट में होगा तो तीन दशमलव दो क्या होगा इस सवाल का जवाब सी एच एस एल दो हजार तेईस का सवाल है नेक्स्ट इफ एम इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा एंड एन इज इक्वल टू कोशक थीटा प्लस को ठीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन एंड एम माइनस एन ठीक है मुझे जो निकालना है पहले इसको थोड़ा सा क्या करते हैं सिंपलीफाई हमें निकालना है एम प्लस एम एन और माइनस एन यानी मुझे एम माइनस एन और प्लस एम एन निकालना है एम माइनस एन और प्लस एम एन एम माइनस एन प्लस एम एन देखिए इसको हम करते हैं थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व हम क्या करते हैं थीटा की वैल्यू मानते हैं पैंतालीस डिग्री क्योंकि मेरे आंसर नंबर्स में है अगर मैं थीटा को पैंतालीस डिग्री पुट कर दूँ तो जो मेरा एम होगा जो मेरा एम होगा वो कितना होगा देखिए सेक फोर्टी फाइव कितना होता है रूट टू और टेन पैंतालीस वन और जो मेरे पास एन होगा वो कितना होगा रूट टू यहाँ से मुझे एम माइनस एन निकालना हो अगर मुझे एम माइनस एन निकालना हो यहाँ से अगर आप इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस टू यानी जो मेरा एम माइनस एन है वो माइनस टू के बराबर है प्लस अगर यहाँ से मुझे एम एन निकालना हो यानी एम इन टू एन इज इक्वल टू अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो है क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीपल है तो आंसर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए यहाँ पर क्या है रूट टू रूट टू का स्क्वायर कितना होता है दो और माइनस एक यानी एक यानी एम एन की वैल्यू कितनी है प्लस का एक और माइनस टू प्लस वन कितना होगा माइनस वन तो सेक, थीटा टेन थीटा cosec थीटा को थीटा को, को सोल्व करने का झंझट खत्म है आंसर क्या होगा माइनस का वन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ साइन एच एस एल दो हजार तेईस का सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल है बस अगर आपको तरीका पता है करने का फिर इसमें कुछ नहीं है बस मात्र क्या है औपचारिकता देखिए हमें गिवन है टेन एन ए प्लस जो सेक ए की वैल्यू है वो कितनी गिवन है के गिवन है और हमें निकालना है साइन है? इसको हम क्या ले सकते हैं सेके प्लस टेन ए की वैल्यू के देखिए प्लस में है चाहे तो टेन ए प्लस सेके लिख लो चाहे सेके प्लस टेन ए लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका जो रिवर्स होगा जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा वन अपॉन के मुझे निकालना है साइन ए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ट्वाइस ऑफ सेक ए की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास ए प्लस वन अपॉन के तो यहाँ से मुझे क्या लिखना है सेक ए तो वो क्या बनेगा के स्क्वायर प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ के तो अगर यहां से मुझे निकालना हो आपको कि जो आपका थीटा होगा वो क्या होता है मेरा हाईपोर्ट न्यूज अपॉन बेस जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा मेरा के स्क्वायर माइनस वन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कर, करा था वहां पर ट्रैंगल बनाया था लेकिन यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है कि वहाँ आता है पी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पर क्या है के स्क्यर माइनस वन यानी पी और के का डिफरेंस है और साइन ए निकालना है और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर प्लस वन जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा डी होगा नेक्स्ट इफ थीटा प्लस इज टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकटा माइनस टेन थीटा ये पांच है इसका जो नेगेटिव होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा तो बिना सॉल्व करे ही आंसर क्या होगा एक बटे पांच नेक्स्ट थीटा प्लस सेक्टिटा इज इक्वल टू एन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा टेन थीटा प्लस अगर बीच में प्लस है तो पहले कोशिश करना थीटा लिखने की थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो ए है तो यहाँ से अगर मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना हो तो वो क्या होगा वन अपॉन ए मैं सिर्फ सेक थीटा लिखना है अगर इनको ऐड कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ जो sec थीटा होगा वो क्या होगा मेरा ए स्क्वा प्लस वन अपॉन ए और सेट थीटा चाहिए तो दो कहां से लग जाएगा यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस वन पॉइंट टू ए जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बी है नेक्स्ट इफ थीटा सेक्ल टू एक्स प्लस द वैल्यू ऑफ सेकटा प्लस टेन थीटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान से देखना दो तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखिए हमारे पास हम मानते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा को एम मान लेते हैं एम तो थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास वन अपॉन एम अगर एक एम होगा तो एक वन बाई एम होगा तो यहाँ पर मुझे सेक थीटा की वन है तो यहाँ से मैं सेक थीटा निकालता हूँ अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ सेकीटा वैल्यू क्या होगी एम प्लस वन अपॉन एम और मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है सेक्टिटा ये वन है वो कितना ये है एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स और यहां पर टू थीटा है मुझे कंपेयर करने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा टू अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टू की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी टू एक्स और प्लस वन बाई टू एक्स अगर हम कंपेयर करें तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर टू सेक ठीटा की वैल्यू कितनी है एम है और यहाँ पर टू सेक्ट ठीटा की वैल्यू कितनी है टू एक्स हम कह सकते हैं कि जो एम है मेरा वो तो किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ एक्स के जो मेरा एम है वो ट्वाइस ऑफ एक्स के बराबर है और हमें निकालना क्या है सेक थीटा प्लस टेन ठीठा जो कि मेरा क्या है एम और एम की वैल्यू कितनी है टू एक्स तो टू एक्स क्या होगा इस सवाल का जवाब एक तरीका और करने का वो देखिए क्या होगा हमें गिवन है सेक्टीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स तो सेक्टीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स अगर इसका मैं ट्रेंगल बना लूँ तो sec theta मेरा क्या होता है हाई पोर्ट न्यूज अपॉन बेस अगर ये ठीटा है ये क्या है मेरे पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये फोर एक्स है जब मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाई थी ये क्या होगा मेरा बेस और ये क्या बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है थीटा प्लस टेन थीटा मुझे निकालना है सेक्ट थीटा प्लस टेन थीटा तो सेक्ट थीटा क्या होता है मेरा हाई अपॉन बेस यानी फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स और प्लस टेन थीटा क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एक्स अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो माइनस वन प्लस वन को काट देगा और फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा एट एक्स स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स आंसर मेरा वही होगा जो पहले था नेक्स्ट इफ थ्री एक्स a टू सेक एंड थ्री बाई एक्स इजक्ल टू टेन एन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर देखिए सिंपल है बस हमें क्या करना है सेक स्क्स एन स्क्र एजल टू वन का फॉर्मूला यूज करना है इज इक्वल टू कितना है मेरे पास थ्री एक्स तो फिर यहाँ से मुझे सेग स्क्वायर ए सेग स्क्वायर ए लिखना हो वो कितना हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर मुझे जो टेन ए है टेन ए की जो वैल्यू है वो कितनी है थ्री बाई एक्स तो टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा नाइन बाई एक्स स्क्वायर आपको बताएगी कि सेग स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर एक मेरी एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है वन उसको ही मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ देखिए अगर मैं इसमें से उसको माइनस कर दूँ तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो तो मेरी क्या बन जाएगी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो वन है और इसमें से अगर नौ बाहर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप गौर करेंगे तो मुझे ही निकालना है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा वन नेक्स्ट डी एच एस एल दो हजार उन्नीस सेम कॉन्सेप्ट सेम सवाल सेक थीटा इज इक्वल टू फोर एक्स एंड टेन थीटा इज इक्वल टू फोर बाई एक्स तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सेक्स स्क्वायर अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे सेक्सक्वायर ठीटा निकालोगे तो कितना आएगा मेरे पास चार चौक सोलह एक्स स्क्वायर अगर टेन स्क्वायर थीठा निकालोगे तो सोलह अपोन एक्स स्क्वायर क्योंकि सेक्स स्क्वायर ठीठा माइनस टेन स्क्वायर थीठा वन होता है तो जब माइनस करेंगे तो वन आएगा इज इक्वल टू अगर सोलह बाहर कोमन ले लें तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपोन एक्स स्क्वायर और हमें क्या निकालना एट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपोन एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर आप दो से डिवाइड कर दें और दो से डिवाइड कर दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा वन बाई टू अगर दोनों तरफ हम, हम किस से डिवाइड कर दें टू से तो वो बन जाएगा एट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपोन एक्स स्क्वा अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लें तो कोई भी सवाल फिर भारी नहीं है वन बाई टू क्या होगा इस सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है नेक्स्ट टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू वन प्लस टू टेन की पावर चार बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टू कोस एल्फा माइनस कोस बीटा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश करिए इसको बेसिक से सोल्व ना करें फिर टेन स्क्वायर एल्फा है फिर टेन की पावर चार बीटा है अगर साइन की साइन कोस में खोलोगे तब भी कैलकुलेटिव कोई आइडेंटिटी लगाओगे तब भी कैलकुलेटिव सबसे अच्छा क्या है कुछ ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे थोड़ा सिंपल हो जाए देखिए अगर एल्फा की वैल्यू में कितनी रख दूँ साठ डिग्री अगर मैं अल्फा रख दूँ कितना साठ तो टेन साठ रूट तीन होता है और रूट तीन का स्क्वायर तीन और तीन में से एक आसानी से घट जाएगा मैं तीस भी रख सकता हूँ लेकिन अगर तीस रखूँगा तो वन बाई थ्री बनेगा और वन बाई थ्री में से एक घटेगा तो पॉइंट में आएंगे नंबर तो मुझे क्या पुट करना है एल्फा इक्वल टू साठ डिग्री रूट तीन का स्क्वायर तीन तो तीन बराबर वन प्लस टू टेन की पावर चार बीटा तीन तीन में से घटाएंगे दो बराबर दो टेन की पावर चार बीटा दो से दो कटेगा तो जो टेन बीटा है वो कितना आएगा वन और टेन की वैल्यू जो वन होती है वो कहाँ पर होती है बीटा बराबर फोर्टी फाइव डिग्री पर यानी जो क्वेश्चन है ना ये इसमें बीटा फोर्टी फाइव डिग्री होगा कब जब आप को क्या मान लें तीस तो मुझे क्या निकालना है रूट टू रूट टू इन टू कोस एल्फा कोस एल्फा मैंने माना था साठ डिग्री और कोस साठ होता है मेरा एक बटे दो माइनस कोस बिडा यानी कोस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू ये भी वन बाय रूट टू और ये भी वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू की वैल्यू कितनी होगी जीरो तो जीरो क्या होगा है? सवाल का जवाब नेक्स्ट थीटा 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 जो है वो जीरो से बड़ा है और नब्बे से छोटा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मतलब यह कि मुझे सारे की सारी क्या लेनी है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है देखिए अगर इसको मैं या तो सेक में कन्वर्ट कर दूं या इसको टेन में कन्वर्ट कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है वन तो मैं सेक् स्क्वायर को क्या पुट कर सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ पर भी मेरा क्या लिखा है सेक स्क्वायर ठीठा वहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा या अगर मुझे वन टेन स्क्वायर थीटा रखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ठीटा माइनस वन तो जहाँ पर भी सेग स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर तो वन प्लस ट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नाइन तो नौ में से एक घटेगा आठ तो टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एट तो टेन स्क्वायर जो थीटा है वो आएगा चार टेन so थीटा की जो वैल्यू है आएगी प्लस माइनस टू लेकिन हम क्या लेंगे सिर्फ प्लस का टू क्योंकि थीटा का है मेरा पहले क्वाड्रेंट में है मुझे निकालना है साइन थीटा फिर इसका हम ट्रेंगल बना लें तो जो मेरा टेन होगा टेन होता है पर अपॉन बेस तो ये दो है और ये एक है ये क्या बनेगा मेरा रूट पाँच कब जब ये क्या हो मेरा थीटा हो साइन निकालना है पेंडिकुलर अपोन यानी दो बटेड स्क्वायर एल्फा ये जो सवाल है ये हम दो तरीके से करेंगे एक तो बेसिक से और एक वैल्यू पुटिंग से लेकिन आप एग्जाम में कोशिश करना कि वैल्यू पुटिंग से ही करें और बेसिक से इसलिए करें कि आप आपसे ये सोल्व करना भी आना चाहिए ठीक है टेन एल्फा टेन एल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा मैं साइन कोस में तोड़ रहा हूं इज इक्वल टू एन और टेन बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन बीटा अपॉन कोस बीटा एक तो मुझे एक है और एक मुझे क्या गिवन है कि जो साइन अल्फा है जो साइन अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास एम साइन बीटा और मुझे निकालना क्या है कोच स्क्वायर अल्फा यानी मुझे बीटे वाली बीटा वाली हर एक टर्म क्या करनी पड़ेगी एलिमिनेट देखिए अगर मैं यहाँ पर साइन अल्फा पुट कर दूँ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है एम साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू एन साइन बीटा अपॉन कोस बीटा इससे क्या होगा साइन बीटा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा तो एम कोस बीटा एम कोस बीटा इज इक्वल टू एन कोस अल्फा ठीक है साइन बीटा साइन बीटा कैंसिल कोस अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा कोस बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा देखिए कोस अल्फा मेरे पास आ चुका है अब मुझे ये कोस बीटा गैप करना है और कोस जो बीटा है वो मैं साइन अल्फा में कन्वर्ट कर सकता हूँ और साइन अल्फा को मैं क्या ले सकता हूँ वन माइनस स्क्वायर अल्फा अगर इसके पास क्या हो एक स्क्वायर हो तो देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर कर दें एम कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ एम स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और सवाल अपनी औकात पे आना स्टार्ट हो गया एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा वो कैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ एक स्क्वायर कर दूँ यहाँ पर तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं साइन अल्फा को मैं साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा को एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ यानी जहाँ पर भी मेरे पास क्या हो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा उसको मैं साइन स्क्वायर अल्फा से बदल सकता हूँ तो एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ठीक है और अब सवाल लगभग नाइनटी परसेंट सॉल्व हो चुका है क्योंकि साइन स्क्वायर एल्फा को आप क्या लिख सकते हैं वन माइनस को स्क्वायर एल्फा क्योंकि मुझे निकालना है को स्क्वायर एल्फा सब कुछ क्या हो जाएगा एलिमिनेट एम स्क्वायर माइनस वन प्लस देखिए साइन स्क्वायर एल्फा को मैं सकता हूँ वन माइनस को स्क्वायर एल्फा माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अल्फा वाली एक टर्म एक तरफ एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस ये कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा एम माइनस वन अगर यहां कॉमन ले लें तो बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन यहां पर आ जाएगा। एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा तो ये है इसका सॉल्यूशन, सोलूशन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन लेकिन इस सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो कैसे करेंगे वो देखिए मुझे जो गिवन है वो टेन अल्फा कितना है मेरे पास टेन अल्फा की जो वैल्यू है टेन अल्फा की वैल्यू है वो है एम टेन बीटा टेन अल्फा कितना है मेरा एन टेन बीटा सॉरी एन टेन बीटा एन एन बीटा और जो साइन एल्फा है मेरा वो है मेरे पास एम साइन बीटा और हमें निकालना है कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा देखिए हम क्या करते हैं एल्फा और बीटा की कुछ वैल्यूज मानते हैं हम क्या करते हैं एल्फा को तो पुट करते हैं थर्टी डिग्री एल्फा बराबर तीस डिग्री और बीटा बराबर साठ डिग्री अगर अल्फा मेरा तीस डिग्री है तो मुझे क्या निकालना है को स्क्र एल्फा तो कोस तीस कितना होता है रूट तीन बटे दो उसका स्क्वायर होगा तीन बटे चार यानी जो भी ऑप्शन मुझे क्या देगा तीन बटे चार वही क्या होगा मेरा आंसर लेकिन जो तो मेरे ऑप्शन हैं उसमें वो किस में फंसे हुए एम और एन में और एम और एन की वैल्यू कहाँ भसी है टेन अल्फा साइन अल्फा में तो अगर अल्फा की वैल्यू तीस डिग्री पुट कर दूँ तो टेन तीस कितना होता है वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एन और टेन बीटा एन साट कितना होता है रूट थ्री एन की जो वैल्यू होगी वो होगी वन बाई थ्री यानी इस सवाल में जो एन है उसकी वैल्यू कितनी है वन बाय थ्री और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गया साइन एल्फा साइन तीस कितना होता है मेरा एक बटा दो इज इक्वल टू एम साइन बीटा एम और साइन साठ कितना होता है रूट तीन बटे दो और यहाँ पर दो से दो क्या होगा कैंसिल एम की जो वैल्यू होगी वो होगी वन बाई रूट तीन तो मेरे पास जो चार ऑप्शनस हैं इसमें एम की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी मुझे एक बटे रूट तीन और एन की वैल्यू कितनी पुट करेगी एक बटा तीन तो जो आंसर मुझे तीन बटे चार देगा इन ऑप्शन में से वो क्या होगा मेरा आंसर अगर मैं पहला ही उठा लूँ तो मेरे पास जो मैंने अभी रिजल्ट निकाला है उसमें एम की वैल्यू कितनी आई है एम आया है मेरा आया है वन बाय रूट थ्री और जो एन आया है वो है मेरा वन बाय थ्री अगर मैं सिर्फ पहला ऑप्शन उठाऊं अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूँ तो एम स्क्वायर माइनस वन यानी एक बटा तीन माइनस वन एक बटा तीन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन एन की वैल्यू कितनी एक बटा तीन यानी एक बटे नौ और माइनस वन so, तो माइनस दो बटे तीन बटे माइनस आठ बटे नौ देखिए नौ ऊपर जाएगा माइनस माइनस खत्म तो अट्ठारह बटे चौबीस ये क्या होगा अट्ठारह बटे चौबीस अगर इसको को छः से काट लूँ छः तीन और छः चौक चौबीस तो मेरा पहला ही ऑप्शन क्या कर देगा सेटिस्फाई और इन में से और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा चाहे इसको ट्राई करके देखना तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट इफ ट्वेंटी नाइन थीटा इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस टू साइन थीटा को अपॉन वन माइनस टू साइन थीटा कॉस्टीटा ठीक है क्या निकालना है हमें गिवन क्या है हमें गिवन है टेन थीटा जो वैल्यू गिवन है ट्वेंटी नाइन टेन थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है थर्टी वन टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास थर्टी वन अपॉन ट्वेंटी नाइन मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है वन प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन वन माइनस टू साइन थीटा देखिए वन को मैं क्या ले सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर ये वन होगा और प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज हम क्या कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपॉन यहां पर मैं क्या ले सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा थीटा तो ऊपर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी जो ऊपर है वो साइन थीटा प्लस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है मेरा साइन थीटा माइनस कोस होल स्क्वायर अगर यहां से मैं साइन थीटा अपॉन थीटा लिखना चाहूं साइन थीटा अपॉन तो वो कितना होगा मेरा इकतीस बटे उनतीस और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस्टिटा हो साइन ठीटा माइनस कोस्टिडा यानी ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम बीच में चाहे प्लस हो माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता यानी साइन कोस यहाँ होना चाहिए साइन कोस यहाँ होना चाहिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन कोस की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा प्लस थीटा इकतीस और उनतीस कितने होते हैं साठ अपॉन और इकतीस में से उनतीस घटाओगे दो और साठ बटे दो कितना होता है होतास और तीस का स्क्वायर कितना होगा नौ सौ तो नौ सौ क्या होगा सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बी है नेक्स्ट टेन की पावर चार थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एलेवन कोस की पावर चार थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सी जी एल दो हज़ार तेईस का सवाल है और ये सवाल दिखने में आसान है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा कैसा है पेचीदा अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो सोल नहीं होगा बिल्कुल भी देखिए हमें क्या गिवन है हमें गिवन है टेन की पावर चार थीटा टेन की पावर चार थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन की पावर चार थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी है वन है और हमें पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा वन तो मैं कोशिश करता हूँ यहां पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाने की और वो बन जाएगा अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को मन ले लूं अंदर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन जो कि मेरा किसके बराबर होता है टेक्स स्क्वायर थीटा के यानी टेन स्क्वायर थीटा टोट सेक की स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास वन है साइन को में चेंज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन यानी साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी क्या है कोस की पावर चार थीटा यानी जहाँ पर क्या है मेरे पास कोस की पावर चार थीटा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन तो यहाँ पर कोस की पावर चार को मैं क्या लेक्टा और, और प्लस को स्क्वायर थीटा ये पूरी दुनिया को पता है कितना है ये वन होता है तो ग्यारह गुना एक तो ग्यारह क्या होगा सवाल का जवाब क्योंकि तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है मेरा सी होने वाला है नेक्स्ट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ सेक्ठीटा प्लस टेन क्यूब theta को theta इज theta देखिए जो सवाल है ये एस एस सी का फेवरेट सवाल है और ये पता नहीं कब से तड़प रहा है और ये कभी भी पेपर में आ जाता है तो इसे सॉल्व करते हैं देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले इसको सॉल्व कीजिए इसको इसको करते हैं सिंप्लीफाई हमें क्या निकालना है sec theta sec theta प्लस टेन क्यूब theta डॉट कोशेक इसको थोड़ा क्या करते हैं सिंप्लीफाई कोशक तो साइन कोस में ओपन करते हैं ये होगा वन बाई कोस ठीटा प्लस साइन ठीठा साइन क्यूब ठीठा अपॉन कोस क्यूब ठीठा वन अपॉन साइन ठीठा साइन जो है वो साइन क्यूब में से एक साइन को माइनस कर देगा देगा यहां पर क्या बचेगा हमारे पास वन बाई कोस थीटा प्लस अपॉन क्यूब थीटा अगर इसको हम सॉल्व करें अगर मैं कॉस क्यूब क्या ले लूँ कॉमन मतलब एलसीएम ले लूँ कॉस क्यूब थीटा अगर इसको मैं ऐड कर दूँ तो क्यूब थीटा एलसीएम आएगा कोस थीटा कोस क्यूब थीटा की एक पावर खत्म करेगा तो ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास वन ये वन है और वन बाई कोस क्यूब थीटा यानी मुझे जो निकालना है वो निकालना है सेक क्यूब थीटा यानी जो मुझे गिवन है ये किसके बराबर है सेक क्यूब थीटा यानी मुझे ये कुछ निकालना बस क्या निकालना है सेक क्यूब थीटा और क्वेश्चन में गिवन क्या है टेन स्क्वायर थीटा थीटा इज़ इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर और आपको बताया टेन जो है सेक में कैसे कन्वर्ट होगा वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है मेरा वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू है तो अगर इधर वन ऐड कर दो तो ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन टू माइनस ए स्क्वायर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी टू माइनस ए स्क्वायर तो पहले निकालेंगे सेक थीटा ये बनेगा टू माइनस ए स्क्वायर की पावर वन बाय टू लेकिन मुझे निकालना है सेक क्यूब थीटा तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूं तो सेक क्यूब थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी टू माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर थ्री बाय टू पावर में क्या होगा थ्री बाय टू टू माइनस ए स्क्वायर और पावर में थ्री बाय टू तो ऑप्शन सी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब नेक्स्ट इफ सेवा ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोटे तो आसानी क्वेश्चन है देखिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेग स्क्वायर ए को आप क्या ले सकते हैं वन प्लस A, और प्लस टेन स्क्वायर ए इजल टू थ्री तीन में से घटेगा दो बनेगा और ये टू टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी टू यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी वन टेन ए भी कितना होगा मेरा वन टेन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास वन है और टेन ए की वैल्यू कहाँ होती है ए बराबर पैंतालीस डिग्री पर और अगर टेन ए वन है तो कोर्ट ए भी क्या होगा मेरा वन क्योंकि टेन ए और कोर्ट ए पैंतालीस डिग्री पर कैसी वैल्यू देते हैं सेम नेक्स्ट इफ बी साइन थीटा इजल टू देन सेट थीटा प्लस टेन थीटा टीजीएल दो हजार बाईस का सवाल है देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था अब हमने इसको बेसिक्स किया था लेकिन आज इसको हम एक अलग ही मेथड से करेंगे हमें गीवन है सेक्ट थीटा और आप एग्ज़ाम में तरीका अप्लाई कर सकते हैं देखिए जो साइन थीटा है हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है ए अपॉन बी ए अपॉन बी हम क्या मानते हैं हम ए और बी को कुछ नंबर्स मानते हैं जो तो हमारी क्या हो आसान एक ट्रिपलेट हो तो अगर मैं ए को ये ए होगा ये बी होगा अगर मैं ए को कितना मान लूँ तीन मान लू तो बी कितना होगा मेरे पास पाँच और इसको मान लेते हैं हम चार हम क्या मान लेते हैं तीन चार पाँच वाली ट्रिपलेट तीन चार पाँच वाली ट्रिपलेट मान लेते हैं और हमें क्या निकालना है सेठ थीटा प्लस टेन और ये मेरा क्या है थीटा हमने क्या किया साइन थीटा इक्वल टू ए पोन बी तो हमने क्या कर दिया कि तीन चार पाँच वाली क्या मान ली ट्रिपलेट तीन चार के साथ हाईपोटनियस कितना होता है पाँच ये परपेंडिकुलर मान लिया ये बेस मान लिया और ये हाईपोटनियस निकालना क्या है सेक थीटा सेक थीटा क्या होता है मेरा सेक थीटा प्लस थीटा निकालना है देखिए सेक थीटा क्या होता है मेरा हाईपोटनियस बेस यानी पाँच बटे प्लस और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी तीन बटे चार और पाँच और तीन आठ आठ बटे चार यानी कि दो अब जो भी ऑप्शन मुझे क्या दे देगा दो वही क्या होगा मेरा आंसर अगर मैं पहला ऑप्शन ट्राई करूँ तो ए कितना है मेरे पास तीन बी कितना है पाँच बी पाँच है ए तीन है तो पाँच और तीन आठ अगर मैं पहला ही ऑप्शन ट्राई करूं, ऑप्शन ट्राई करने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं एक देखिए तो अगर मैं एक कितना मेरे पास तीन है बी पांच है तो पहला ऑप्शन क्या देगा मुझे पांच और तीन आठन बी माइनस ए तो पांच माइनस तीन दो और दो आठ बटे दो चार और चार का रूट दो यानी पहला ऑप्शन मुझे क्या दे देगा मेरा आंसर तो बाकी मुझे कोई आंसर देने वाला नहीं है चाहे आप चेक कर सकते हैं अगर मैं दूसरा ऑप्शन उठाऊँ दूसरा ऑप्शन देगा मुझे वन बाई एट का रूट ये तो वन बाई टू रूट टू है तो तीसरा ऑप्शन है वो क्या देगा मुझे वन अपॉन बी माइनस ए और बी माइनस ए कितना है मेरा दो ये वन बाय रूट टू देगा और तीसरे वाला क्या देगा दो अपौन आठ यानी जो तीसरे वा... चौथे वाला ऑप्शन है वो मुझे देगा वन बाय टू तो मेरा जो आंसर है वो मेरा पहले ही ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट थीटा एंड साइन थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू पे सी एच एस एल दो हजार उन्नीस में पूछा गया एक सवाल है इसको सॉल्व करते हैं देखिए कोई भी अगर मेरे पास क्या है क्वालिटी इक्वेशन है, क्या है? क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि जो सम ऑफ रूट्स होगा सम ऑफ रूट्स होगा होगा माइनस पी अपॉन ए और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा मेरा c अपॉन ए और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है रूट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो और हमें के का मान निकालना है देखिए इसके जो रूट है वो है सेक थीटा और टेन थीटा अगर मुझे सम ऑफ रूट्स लिखना है, तो सेक्ट थीटा प्लस टेन थीठा क्या होगा मेरा थीटा प्लस जो तो टेन थीटा होगा प्लस साइन थीठा जो सेक्ट थीटा प्लस साइन थीटा।, तो थीटा, थीटा होगा वो क्या होगा मेरा माइनस बी ओपोन और के तो पहले नेगेटिव में यानी कि के बाय रूट सिक्स ए बाय रूट सिक्स और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा यानी साइन थीटा इन टू थीटा साइन थीटा इन टू थीटा वो कितना होगा मेरा सी सीओने रूट छोन रूट छ अगर इसको हम फर्दर सोल्व करें प्रोडक्ट को तो साइन थीटा अपॉन टैक so, थीटा होता है वन बाई कोस ठीठा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास वन है अगर टेन थीटा की वैल्यू वन है तो ये सिर्फ कहाँ होती है मेरी थीटा बराबर फोर्टी फाइव डिग्री पर अगर थीटा कहाँ है मेरा पहले क्वाड्रेंट में है मुझे निकालनी है के की वैल्यू तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं जो मेरा सेक फोर्टी फाइव होता है वो होता है रूट टू टू और जो साइन फोर्टी फाइव होगा जो साइन फोर्टी फाइव होगा वो होता है मेरा वन बाई रूट टू तो ये मेरा किसके बराबर है के अपॉन रूट सिक्स देखिए दो एक तीन तो तीन बटे रूट दो की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है के बटे तो रूट सिक्स को मैं ले सकता हूँ रूट टू इंटू रूट थ्री तो रूट थ्री से रूट थ्री कटेगा रूट टू से रूट टू कटेगा और थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा थ्री रूट थ्री वैल्यू होगी मेरी वो कितनी होगी रूट थ्री ऑप्शन नंबर क्या है मेरा D है मेरा नेक्स्ट अब तक जो हमने बाईस क्वेश्चन करे वो किस पर बेच दिएटाइन टेन स्क्टा यान पर अब हम पढ़ेंगे कोस और कोट वाले. तो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं अगर हमारे पास क्या कि वनों में कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो वन हो तो ए प्लस बी अगर ए माइनस बी लगाएं, तो कोसेक थीटा प्लस वन और कोसेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो वैल्यू होगी वो वन होगी जैसे सेक और टेन में था ऐसे किस किसमें होता है कोसेक और कोट में तो ये दोनों एक दूसरे तो क्या होंगे रिवर्स होंगे तो कोसेक थीटा प्लस अगर मुझे कोट थीटा की वैल्यू लिखनी हो मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक तो मुझे कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए और एक दूसरा कौन से वाला अगर मुझे क्या कि बनो कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर एक्स और बी कोसेक थीटा प्लस ए कोट थीटा इक्वल टू वाई जैसे आ, सेक और में था, ऐसे ही किसम होगा कोसेक और कोट में और बीच में क्या हो माइनस हो ए, कोसेक थीटा माइनस बी कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो मेरे पास वाई हो बी कोसेक थीटा माइनस थीटा कितना हो मेरे पास वाई हो ऊपर ले वाला हो एक्स तो एक रिजल्ट याद रखना है हमेशा जो मैंने सेक और टेन में पढ़ा था वही सेम कहां पर होगा यहां पर तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा वो होगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के और ये सेम किस्में था एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाले में और ऐसे ही में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर्थ स्क्वायर थीटा वाले में अब करते हैं अपने क्वेश्चन तो पहला सवाल है सी जी एल मेन्स दो हजार बाईस का इसने तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया ए को थीटा प्लस बी कोसेक थीटाक्वल टू पी एंड बी कोट थीटा प्लस ए थीटा इक्वल टू क्यू तो मुझे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बताना है यानी इन दोनों की वैल्यू बतानी है यानी एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई बताना है तो वो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस पी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर नेक्स्ट इफ फोर कोशेटा प्लस पांच कोवन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव कोसेक थीटा प्लस फोर को ठीटा देखिए जो मुझे निकालना है अगर इसको मैं क्या मान लू वाई वाई तो कोसेक थीटा का कोविशंट कितना है चार तो चार का स्क्वायर माइनस पाँच का स्क्वायर इज इक्वल टू सात का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर चार का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास सोलह और पाँच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस सोलह में से पच्चीस घटाएंगे माइनस नौ इज इक्वल टू फोर्टी नाइन माइनस वाई स्क्वायर वाई अगर इधर लेके आ जाऊँ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई स्क्वायर की वैल्यू फिफ्टी एट जो वाई होगा मेरा वो कितना होगा प्लस माइनस रूट फिफ्टी एट लेकिन नेगेटिव वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हम क्या लेंगे रूट फिफ्टी एट क्या होगा इस सवाल का जवाब नेक्स्ट कोशक थीटा प्लस को ठीटा इक्वल टू तो एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन देखिए कोशक थीठा कोशक थीटा प्लस को ठीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास एम है जैसे हमने सेको टेन में किया था इसका जो अपोजिट होगा कोसेक थीटा माइनस को थीटा उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन बाई एम वन अपॉन एम तो हमें निकालना है एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन तो हम क्या करते हैं इनको ऐड करते हैं तो टू कोसेक जो थीटा है वो कितना होगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम तो जो कोसेक थीटा होगा कोसेक थीटा हो जाएगा मेरे पास एम प्लस वन अपॉन टू एम अगर मैं कोसेक थीटा को लेकर एक ट्रेंगल बना दूँ तो कोसेक थीटा क्या होता है मेरा आई अपॉन परपेंडिकुलर अगर इसको हम थीटा ले लें तो ये तो है मेरे पास टू एम और ये कितना है मेरे पास एम स्क्वायर प्लस वन जब मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाई थी तो ये क्या लिखवा था एम स्क्वायर माइनस वन हमें बताना है एम स्क्वायर माइनस वन अपन एम स्क्वायर प्लस वन क्या होगा एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन यानी ये पूछ रहा है कि बेस अपॉन हाई क्या होगा और बेस अपॉन हाई क्या होता है मेरा cos थीटा तो कोस थीटा क्या होगा इस सवाल का जवाब कोस थीटा नेक्स्ट टीजीएल दो हजार तेईस का क्वेश्चन है नेक्स्ट टीजीएल दो हजार तेईस कोशेक थीटा प्लस कोई टू देन वट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा देखिए कोसेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास थ्री बाय टू उसका जो माइनस साइन वाला होगा कोशक थीटा माइनस कोट थीटा उसकी वैल्यू कितनी आएगी टू बाय थ्री अगर दोनों को ऐड कर दें तो कोट से कोट कटेगा तो टू कोशक थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमें तीन बटे दो प्लस दो बटे तीन को अगर कर ऐड करना हो थ्री बाय टू और प्लस टू बाय थ्री को ऐड करना हो तो तीन नौ और दो तीन चार तो तेरह बटे बारह है ये तेरह बटे छः है ये तेरह बटे छः हमें निकालना है कोशक थीटा तो दो इधर आ जाएगा तो तेरह बटे बारह क्या होगा सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है नेक्स्ट इफ कोशक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू रूट पाँच प्लस दो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा देखिए कोशक थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखिए मैं रूट पाँच प्लस दो हम यहाँ से पहले लिखेंगे कोशक ठीठा माइनस कोट ठीठा की वैल्यू देखिए वो होगी वन अपॉन अपॉन रूट पाँच प्लस दो तो मुझे करना है नीचे से रूट को रैशनलाइज तो मैं क्या करूँगा ऊपर रूट पाँच माइनस दो से मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट पाँच माइनस दो से मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट पाँच का स्क्वायर पाँच पाँच माइनस चार पाँच माइनस चार एक तो नीचे तो एक है यानी इसकी वैल्यू कितनी है रूट पाँच माइनस दो ये रूट पाँच माइनस दो है मुझे निकालना साइन ठिडा अगर एड कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ कोशक जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी दो से दो कट जाएगा दो रूट पाँच और दो से दो कट जाएगा यानी जो कोशक थीटा है जो कोशक थीटा है वो कितना है रूट पाँच है और आपको पता है जो साइन थीटा है वो कोशक थीटा का क्या होता है अपोजिट तो साइन थीटा क्या होगा मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी वन अपॉन रूट फाइव जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी है नेक्स्ट कोशैक ए प्लस कोट ए इजल टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोशेक ए माइनस कोट है ये तो मजा आगे सवाल के नाम पर इसका अपोजिट आंसर होगा यानी वन बाई एम नेक्स्ट को सेक प्लस कोट इज इजल टू पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर प्लस वन और हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था वो क्या था हमारे पास एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन तो सेम ही क्वेश्चन है बस एम की जगह क्या है पी है आंसर इसका भी क्या होगा कोस नेक्स्ट कोट स्क्वाट थीटा प्लस कोट की पावर चार थीटा इक्वल टू टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइन की पावर चार थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देखिए अगर हम इसमें से कोट स्क्वायर कॉमन ले लें कोर्ट स्क्वायर हिटा क्या ले लें कॉमन ले लें ले. कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट की पावर चार थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास दो है अगर मैं कोट स्क्वायर को कोमन ले लूँ मेरे पास क्या बचेगा वन प्लस वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी है दो है और मुझे पता है कि जो कोसेक एक्स स्क्वायर थीटा होता है मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है वन यानी जहाँ पर भी मुझे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा इन टू कोश स्क्वायर थीठा की जो वैल्यू है वो दो है इसको साइन और कोस में सिंप्लीफाई करते हैं ये होगा कोच थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू टू तो मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा को टू साइन की पावर चार थीटा यानी जो मुझे निकालना है उसमें जो टू साइन की पावर चार थीटा है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा तो को स्क्वायर प्लस मेरा क्या हो जाएगा one. तो one क्या होगा सवाल का जवाब यहां पर टू साइन की पावर थीटा है थीटा देखिए हम क्या करते हैं हम को सेक्सर थीठा को क्या लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर और प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री तीन में से घटाएंगे दो टू तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर दो तो जो कोट थीटा होगा वो आ जाएगा मेरा वन और कोट थीटा की जो वैल्यू वन है वो होती है पहले क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पैंतालीस डिग्री पर यानी इस सवाल में जो थीटा है वो पैंतालीस डिग्री है और निकालना है कोश टेटा तो वन बाय रूट टू क्या होगा इसका आंसर कोस कि पैंतालीस कितना होता है वन बाय रूट टू नेक्स्ट और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नाइन खत्म होता है और आपसे मिलते हैं लेक्चर टेन में तब तक के लिए धन्यवाद